बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में रहने वाले एक दंपति उस वक्त धोखाधड़ी का शिकार हो गया जब उन्होंने अपनी जमीन बिल्डर की झांसे में आकर बिल्डर के नाम रजिस्ट्री कर दी। वहीं बिल्डर जमीन अपने नाम पर रजिस्ट्री होने के बाद पैसा देने से मुकर दिया। फिलहाल पीड़ित ने बिल्डर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है, जहां आरोपी के खिलाफ 420 का मामला दर्ज किया गया है। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली दंपति से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जमीन मालिक को सातिर बिल्डर पर भरोसा कर जमीन बेचना महंगा पड़ गया। बिल्डर ने पहले तो दंपति से अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली और बाद में भुगतान देने से इनकार कर दिया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। दरअसल सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली रूपा अग्रवाल के नाम पर घुरू में जमीन थी, जिसको बेचने के लिए तेलीपारा के रहने वाले राजेश हरजपाल से संपर्क किया। आरोपी राजेश हरजपाल ने जमीन पसंद आने पर 22 दिसंबर 2017 को रूपा अग्रवाल से बकायदा रजिस्ट्री करवा ली और 3,70,000 रुपए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिलासपुर के नाम से चेक भुगतान करने का वादा भी किया, लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद साथी राजेश ने भुगतान और चेक देने से इनकार कर दिया। महिला के पति द्वारा राजेश से पैसा मांगने पर राजेश ने गाली गलौज शुरू कर दी। रकम नहीं मिलने के बाद दंपति ने राजेश के खिलाफ सकरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए आरोपी के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार राजेश ने पहले भी कई लोगों के साथ इसी प्रकार की धोखाधड़ी की है, लेकिन अपने रसूख के चलते उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज करने की हिम्मत नहीं कर पाया, जिसके चलते इसके हौसले बुलंद होते चले गए। सूत्रों की माने तो राजेश ने किसी गरीब किसान नाम के ऊपर करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति खरीदी हुई है और शासन को भी लाखों का चूना लग रहा है और उसकी शिकायत भी भिलाई निवासी जनार्दन में सकरी में दर्ज करवाई है, लेकिन उस पर भी अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अब देखना होगा कि शासन और लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस कब गिरफ्तार करती है। शिकायत आई थी 420 का, उसी पर से सकरी थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी प्रथम दृष्टया मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है, प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई की जानी शेष है। बिलासपुर से अजीत मिश्रा की रिपोर्ट, ACN 24।